हाँ जी फ्रेंड, सत श्री अकाल। किवें सारे? वधिया हो? अज मैनू सवेरे सवेरे फोन आया मेरी फ्रेंड का, मतलब यूट्यूब पर ही बने हैं वो, तो वो यूट्यूब पर उन्होंने भी चैनल है, वो मतलब स्वेटर बुनना सिखाते हैं। तो अज उन्होंने कहा कि मतलब मैं सॉरी हिंदी में बोलती हूँ, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होती है पंजाबी में, सॉरी। उन्होंने मुझे बोला कि ना आप हाथ जोड़ के मत बोला करो कि मेरी वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, अपनी वैल्यू आप मत कम करो, क्योंकि एक बार भी आपको किसी ने कमेंट नहीं किया कि हाथ मत जोड़ो। ये मैं आपको जो है प्रिंट, जो प्रिंट हो जाता है ना डिज़ाइन, वो सिखा रही हूँ। और आपको लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मैं पेंटिंग यूट्यूब पर सिखाने वाली वीडियो बंद कर रही हूँ डालनी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना निराशा महसूस हुई है। मुझे वीडियो सिखाने से तंग करने वालों के मैसेज फ़ोन ज़्यादा आते हैं, बजाय कि मुझे कोई लाइक मिले या कोई कमेंट या कोई सब्सक्राइबर कोई मेरे लिए बढ़ाए। कोई ये नहीं, मैं सभी को कह रही हूँ, ऐसे तो जो लाइक आते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन वो भी कोई करता है। देखो, सबसे पहले आउटलाइन करना ज़रूरी है, सबकी आउटलाइन पहले करना ज़रूरी है, ताकि आइडिया हो जाए कि ये चीज़ यहाँ बनेगी। तो मैं जो है बस लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि मैं बंद कर रही हूँ वीडियोस डालना। जिसको भी सीखना होगा ऑनलाइन मेरे से या ऑफलाइन सीख सकता है। और कपड़े मैं पेंट करती रहूँगी, कपड़ों की वीडियोस डालती रहूँगी, और बस मैं अगस्त के महीने तक जो मेरे से पहले से वीडियो बन गई हैं और वो ही वीडियोज़ आपके पास आएंगी, उसके बाद शायद ही मैं नहीं डालूँगी वीडियो। ये मेरे ख्याल से ये वीडियो लास्ट होगी जो मैं ये बना रही हूँ, बाकी जितना समय मैं यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे वीडियो सिखाती हूँ, अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, घर से भी मैं डांट खाती हूँ बच्चों की भी, क्योंकि मेरा एक दो घंटा जो वीडियो बनाने में लगता है सबको चुप कराना पड़ता है, फैन बंद करने पड़ते हैं, और कई बार वीडियो बनाने के चक्कर में कोई किसी को मुझे रोटी के लिए भूखा बिठाना पड़ता है कि 2 मिनट रुको मैं वीडियो बना के आई। तो आपको नहीं पता वीडियो बनानी सौखी नहीं है, कितना ये फ्रेम वगैरह, ये सॉरी स्टैंड, कितना कुछ अरेंज भी करना पड़ता है, कितना पैसा भी लगाना पड़ता है, इसीलिए ना कि मैं फेमस हो जाऊं और मुझे लोग तारीफ करे वगैरह वगैरह। बट मैं आज मेरे उस फ्रेंड के फ़ोन से इतनी ज़्यादा उदास हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने ये फैसला किया है, देखो मैं ये ना भी बताती आपको कि मैं नई वीडियो डालूँगी, मैं वैसे ही बंद कर देती, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बस ये कोई कोई फूल आपको बता के, और मैं अब वीडियोस नहीं डाला करूँगी। अब धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस लगाऊंगी। देखो ये मैंने इस तरह से वाइट कलर लगाया है, जहाँ जहाँ वाइट कलर लगाना है वहाँ वहाँ एक बार वाइट कलर लगा दिया।
देखो कोई काम शौक में करता है, कोई मजबूरी में करता है, कोई कैसे करता है। अब मेरे मैं इतनी जोगी नहीं हूँ कि मैं सबकी मदद करूँ, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, कोई कहता है मैं विधवा हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई कहता है मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते, कोई कुछ मुझे फ्री में सिखा दो या मेरा काम शुरू करवा दो, कोई कुछ कोई। देखो अभी मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी तो मैं खुद ही लाइफ में पूरी तरह से सेट नहीं, और खुद के खर्चे ही अभी मैं पूरे नहीं कर पाती, तो मैं किसी की हेल्प कैसे करूँ। सबसे पहले समाज सेवा तो अपने परिवार से ही शुरू होती है, जब मैं अपने बच्चों की ही पूरी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकती तो मैं किसी की मदद कैसे करूँ। तो भी मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ एक संस्था खोलती हूँ, जो भी कोई पैसे वाले लोग हैं अपनी इच्छा से उसमें, चाहे 150, अब बहुत से लोग 150 150 ही जमा कराए तो भी कितने हो जाते हैं, और मैं कईयों की हेल्प कर सकूंगी। मैं तो ये सोचती हूँ, बाकी देखो परमात्मा को क्या मंजूर है, क्या होता है क्या नहीं। पहले मैंने व्हाइट कलर किया, फिर लाइट जहां जहां दिख रहा है वो किया, अब उसके बाद मैं रेड कलर करूंगी। ये कली है, अब ये रेड कलर की शेडिंग हो जाएगी।
जिस हिसाब से मेरे एक चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, एक पर 1,500-2,000, लेकिन उस हिसाब से व्यू नहीं आते। बस इस तरह से ही ये शेडिंग करते करते ये रोज़ बन चुका है। थोड़ी बहुत फिनिशिंग बस मैं आपको फटाफट पत्तियाँ बता देती हूँ। ये व्हाइट रंग लगाया, अब ये ग्रीन रंग लगाया। बस इसी तरह से जो है कभी वाइट रंग लेना है, कभी ग्रीन रंग लेना है,
थोड़ा सूखने के बाद गीले गीले पे मत चलाना, मैंने बताना है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से डार्क ग्रीन से लाइनें लगानी है थोड़ा सूखने के बाद। अब तो ये फैल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। ये इस तरह से मैं डिज़ाइन सारा घेरे का डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है। और ये भी जब सूख जाएगा धीरे धीरे इसकी भी बारीक ब्रश से इस तरह से मिक्सिंग आउटलाइन करनी है। एक इस कॉर्नर पे बनाया मैंने फूल, एक इस पे बना रही हूँ और वो उत्तर दुपट्टा बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और बस अब मैं वीडियो सही बनाया करूँगी। इतनी इंसर्ट बहुत होती है एक आर्टिस्ट के लिए, जो अपना इतना समय निकाल कर, जो है ना कीमती समय निकाल कर बनाता है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसलिए मैं अब कभी यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डालूँगी। बस सूट बनाया और दिखाया, और जिसको भी सीखनी हो ऑफलाइन ऑनलाइन सीख सकता है। ओके, बाय बाय।